मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सर? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा एक और दो के लिए हिंदी का टॉपिक हमारा आपकी मात्रा। ठीक है, हमें वर्णों की पहचान है और वर्णमाला की हम कर चुके हैं वर्णमाला को। और सबसे पहले जो आज हम वर्णमाला में व्यंजन करने जा रहे हैं, और उन व्यंजनों में पहला व्यंजन क्या है यहाँ पर? क, ख, ग, घ। ठीक है, आपने इन वर्णों को देखा है, पढ़ा है, सुना है। ठीक है, आज हम इनको मात्राओं के साथ शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम मात्रा जो करने जा रहे हैं वो है आ की मात्रा। ठीक है, तो यहां पर देखें, यहां पर मैंने कुछ वर्ण और लिखे हैं, दिखाई दे रहा आपको? अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे? हमने तो एक एक वर्ण पढ़ा है, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इस प्रकार पढ़ा है। लेकिन जो इसके पीछे ये जो डंडा सा मैंने लगाया है, ये क्या है? यस, यही तो है हमारी आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। और ये वर्णों के साथ कैसे लगती है और उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम, पहला जो हमारा वर्ण है वो है क। ठीक है, हम क के आगे लिख देते हैं इस प्रकार, तो इसकी जो ध्वनि है वो चेंज हो जाती है और क्या बन जाता है? का। ठीक है, आ की मात्रा लगने से उसकी जो ध्वनि है वो आ से हम उच्चारित करेंगे। जैसे अब क्या बोलेंगे हम इसको? का। ये हमारा ख है, जब हम इसके आगे आ की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है खा। क्या है ये? खा। अगला हमारा वर्ण है ग। अब मैंने ग के आगे भी वही मात्रा लगा दी, यानी कि आ की मात्रा। अब क्या हो गया हमारा ये? गा। ठीक है, अंतिम वर्ण है हमारा घ, और घ के आगे भी मैंने ये मात्रा लगा दी, तो अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? घा। ठीक है, का, खा, गा, घा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे नीचे हमने चार अक्षर लिखे हैं, अब उनका उच्चारण करके देखिए, ये क्या है? चा, छा, जा, झा। ठीक है, इस प्रकार हम आ की मात्रा लगाने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है वो हम आज सीख रहे हैं। अब मैं यहां पर कुछ वर्ण बनाऊंगा, आपने उनको आ की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करना है। आप ध्यान से देखें, अच्छा ये बताइए ये क्या लिखा है मैंने? ये है प। ठीक है, और मैंने इसके आगे लगा दी आ की मात्रा। अब हम इसको क्या बोलेंगे? यस, हाँ, हम इसको बोलेंगे अब पा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप व्यंजनों के आगे आ की मात्रा लगाकर देखें और उनका उच्चारण करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं हम ई की मात्रा लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।